हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज सुबह बहुत ही भयंकर वाली बारिश हुई जिससे चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया है। मैं अभी अपने खेत पर हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ का हालत कैसा है, खेत का हमारे इधर का हाल कैसा है। तो मैं भी खेत पर हूँ और रास्ते जहाँ से जा रहा हूँ मैं, वहाँ भी बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो गया है बिल्कुल। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। आप बस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही माइंड ब्लोइंग ब्लॉग्स देखने के लिए। तो चलो अब दिखाता हूँ मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ अभी अपने खेत में और दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो, मैं जा रहा हूँ अभी कौन से रास्ते से। इधर कीचड़ है, इधर कीचड़ है और मैं इसके कीचड़ के बीच में से जा रहा हूँ। और देखो खेत में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। खेत में हमारा ही खेत है और कहाँ है पानी, देखो बिल्कुल भरा हुआ। बारिश इतनी भयंकर हुई आज सुबह बिल्कुल दोपहर तक बारिश चली और सारा सब जगह पानी पानी हो चुका है। तो चलो दिखाता हूँ अभी आपको और पानी दिखाता हूँ अपने खेत का और पानी दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस, ये है रास्ता जाने का। रास्ते में बिल्कुल कीचड़ हो चुका है। मेरे पैर पल को खोल दिया यहाँ पर और हमें खेत के अंदर जाना पड़ेगा। खेत के अंदर से चलते हुए जाना पड़ेगा, नहीं वरना ये मेड़ के ऊपर कीचड़ है उसके अंदर मेरे पैर दब जाएगा, इसलिए जा रहे हैं खेत के अंदर से। ये देखो कि यहाँ पे मिर्ची का पेड़ लगा हुआ है मिर्ची का, और ये पानी बिल्कुल भर गया मिर्ची के खेत में। ये देखो पानी बिल्कुल भरा हुआ है मिर्ची के खेत में। मिर्ची के पौधे में फूल भी आ गया, इधर फूल आ रहा है, अभी मिर्ची आने वाला है। अगर ऐसा पानी मिर्ची खेत में रहा तो मिर्ची का पौधा मर जाएगा, क्योंकि उसे कम पानी चाहिए होता है, कम पानी के अंदर हो जाता है। और ये पानी बिल्कुल भरा हुआ है जिससे यह मर जाएगा। तो अब चलो नदी दिखाता हूँ मैं आपको। नदी के अंदर कैसा पानी भरा हुआ है। पानी हो गया बिल्कुल ही पानी हो गया। ये देखो मिर्ची का पेड़, मिर्ची के खेत में पानी भरा हुआ है। अब नदी दिखाता हूँ मैं आपको। नदी, ये नदी में जाने का रास्ता है। और ये नदी के अंदर एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जोंक रहते हैं नदी हमारे जंगल में, जो खून चूसते हैं जोंक, वो स्किन बॉडी पर चिपक जाते हैं और छोटा छेद करके उससे खून पीते रहते हैं। अगर वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँगा जोंक, और मैं आपको नदी का पानी दिखाता हूँ। अब आ जाओ, वो देखो बंदर भी है वहाँ पे, वो कूद रहा है बंदर, वहाँ से बंदर खजूर खा रहे हैं उधर पेड़ से। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना जंगल घुमाया था और जंगल घुमा था हमने। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। तो पानी देखे, नदी का पानी कहाँ पर आ चुका है। जहाँ नदी वो सामने, वो आगे आगे नदी है, वहाँ पर नदी है और इसका पानी यहाँ से यहाँ तक भर चुका है पानी यहाँ इसका। ये बिल्कुल खेत के बिल्कुल पास में है, पानी भर चुका है। ये देखो पानी के अंदर ये नदी का पानी बिल्कुल भर चुका है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ नदी। जंगल भी बड़ा घना जंगल हो चुका है। ये देखो नदी वो है, वो बंदर भी कूद रहा है, धरी हुई है बंदर। ये देखो बंदर, ये तो बंदर भी कूद रहा है यहाँ पर। ये है नदी, वो सामने वो है नदी और इस नदी का पानी यहाँ से यहाँ तक भर चुका है। ये हमारे खेत के बिल्कुल ही पास है नदी का पानी। नदी की पानी में जो स्पीड है, वो भी स्पीड भी देखो कितना भयंकर स्पीड है। अगर उसके अंदर कोई गिर जाए तो उसका उठना नामुमकिन है, वो पानी के साथ बह कर चला जाएगा। आप पानी देखो फिर। तो गाइस देखा आपने कि हमारे यहाँ
बारिश इतना खतरनाक हुआ कि नदियों में खेतों में बिल्कुल पानी भर चुका है। और मैं अभी जंगल के अंदर खड़ा हूँ और मेरे पीछे नदी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नदी का पानी कैसा भर चुका है। मेरे पीछे बंदर भी है, वहाँ पे उधर बंदर भी है। तो गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने ब्लॉग में जंगल घुमा था, अपने जंगल दिखाया था, मैंने अपना पूरा जंगल दिखाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं आपको दूसरे लोकेशन से दिखाता हूँ कि नदी का पानी कैसा कितना भर चुका है। तो चलते हैं दूसरे लोकेशन पर अपने। तो गाइस, ये देखो पानी नदी का कैसा भयंकर हो चुका है। मैं भी खेत की मेड़ पर खड़ा हूँ। ये खेत धान लगा हुआ है और इधर है नदी का पानी। क्या भयंकर सीन है। ये देखो दोस्तों, ये है पानी नदी का, और नदी का पानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ तक आ चुका है। बल्कि नदी का पानी वो आगे तक रहता है हमेशा, वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक रहता है, इतना एक्स्ट्रा ऊपर आ चुका है पानी। और पानी की स्पीड भी कितना तेज, बहुत स्पीड है पानी का। तो गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही। बारिश बहुत तेज हुई, चारों तरफ पानी पानी हो चुका है, खेत में पानी, नदी में पानी बिल्कुल ऊपर तक भर चुका है। बस आज का ब्लॉग इतना ही। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस, आपने अगर जंगल का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं।